अगर आपका भी मन करता है कई बार ढाबे जैसा खाना खाने का और परफेक्ट राजस्थानी थाली अगर मिल जाए तो मैं राजस्थानी थाली में से आपके लिए लाई हूँ मिस्सी रोटी और आलू के साग की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया है आप बनाइए, आपको बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगेगा और आप इसको अपने मेन्यू में शामिल कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना मिस्सी रोटी और आलू के साग की। हाँ, मैंने परात लिया है, इसमें छलनी लगा दी है और हम लेंगे 1 कप बेसन और 1 कप गेहूं का आटा, दोनों ही बराबर नाप का मैंने लिया है। और इसको छान के हम डालेंगे मसाले, तो नमक इसमें जाएगा, थोड़ी हल्दी हम लोग डालेंगे, लाल मिर्ची मैं लूंगी 1 चम्मच, साथ में जीरा आधा टीस्पून, आधा टीस्पून अजवाइन, आधा टीस्पून सौंफ, थोड़ी सी कलौंजी मैं इसमें डालूंगी, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट हम डालेंगे और खूब सारा धनिया। और यहाँ मैंने 1 मीडियम साइज का प्याज डाला है और 1 चम्मच तेल और थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने क्रश करके इसमें डाली है। तो इतने सारे मसाले इसमें जाएंगे तो रोटी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, सारे मसाले हमें आटे में मिक्स करने हैं। सिंपल मेथड है, 1 कप बेसन और 1 कप गेहूं का आटा, इसमें सारे मसाले जो हमने डाले हैं वो ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक आटा बना के तैयार करेंगे। आटा ना तो बहुत ज़्यादा नरम होगा ना ही बहुत ज़्यादा कड़क होगा। आटा लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आटा बहुत कड़क होगा तो भी रोटी का टेस्ट में फ़र्क पड़ जाएगा और आटा बहुत नरम होगा तो वो अच्छे से सिक नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें सही मात्रा में पानी डाल के आटे को लगा के तैयार करना है। आप देख सकते हैं आटा मैंने लगा के तैयार किया है, हल्का सा तेल लगा के इसको मसल लूंगी और ढक्कन लगा के हम इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 10 से 15 मिनट के बाद हम इसकी रोटी तैयार करेंगे। तो तंदूर जैसी रोटी बनेगी, लेकिन बिना तंदूर के कैसे बनाएंगे। तो 10-15 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था, एक बार फिर से मैं इसको मसल लूंगी और इसकी हम लोग लोइयां निकाल लेंगे। जैसे हम लोग पराठा बनाते हैं उस शेप का मैं दे रही हूँ, उतना साइज मैं ले रही हूँ। और इसको हम लोग आटे में से डस्ट करके इसको बेल लेंगे, जैसे सिंपल रोटी हम लोग बेलते हैं उसी तरह से हमें बेलना है। आटे में से मैंने इसको अच्छे से डुबो दिया है और अच्छे से हम लोग इसको बेल लेंगे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा पतली रोटी नहीं करेंगे क्योंकि मिस्सी रोटी थोड़ी मोटी बनती है। तो राजस्थानी मिस्सी रोटी हम बना रहे हैं वो भी घर पे बिना तंदूर के, तंदूरी मिस्सी रोटी के स्वाद देने वाली रोटी बनाएंगे हम लोग। तो मैंने इसको बेल लिया है, अब एक तरफ पानी लगा दूंगी, ऊपर वाला जो साइड है उसमें हम पानी लगा देंगे। और मैंने एक तरफ तवा गरम करने रखा है, नॉनस्टिक तवा मैंने लिया है, और पानी वाला जो साइड है वो मैं नीचे कर दूंगी और जो नीचे वाला साइड है उसे हम ऊपर रखेंगे। तो पानी की वजह से अच्छे से चिपक जाएगा, ये उतरेगा नहीं इसमें से। तो यहाँ मैंने फ्लेम मीडियम रखी है और जैसे ही बबल्स उठेंगे और थोड़ी देर के बाद हम इसको पलट के ऊपर से भी सेकेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 से 3 मिनट नीचे से सेक लेना है, उसके बाद हम इसको तवे को पलट के इस तरह से हम लोग गैस पे इसको सेकेंगे। तो अच्छे से सारी तरफ से हमें इसको सिकाई करनी है, कहीं से कच्चा ना रहे। और फ्लेम आप देख सकते हैं मैंने मीडियम फ्लेम रखी है क्योंकि हाई फ्लेम पे जल्दी जल जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पे हमें इसे सेकना है। और नीचे से जो सतह है वो अपने आप सिक जाएगी क्योंकि वो तवे पर है, उसमें अपने आप सिकाई होती रहेगी और हम ऊपर की तरफ से इसको सेकेंगे। तो इस तरह से हम बनाएंगे मिस्सी रोटी। देखिए आप फटाफट, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, जल्दी आप लोग इस मिस्सी रोटी को बना के तैयार कर देंगे। अब मैं इसको निकाल लूँगी और हल्का सा आप देख सकते हैं, देखिए पीछे की तरफ से भी अच्छी सिकाई हो गई है। तो इसको मैं थोड़ा सा गैस पे सेक लूँगी, अगर आप नहीं सेकना चाहते हैं तो भी चलेगा, तो भी ये सिक के तैयार है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसको कड़क करना है हल्का सा, तो मैं इसको गैस पे सेक लूँगी। तो बस मिस्सी रोटी बन के तैयार है, गर्मा गर्म निकालेंगे, देसी घी या मक्खन के साथ इसको अच्छे से हम लोग गर्म गर्म मिस्सी रोटी पे मैं लगा रही हूँ देसी घी, आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अमूल बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए तैयार है हमारी मिस्सी रोटी और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी। तो मिनटों में बनने वाली मिस्सी रोटी अपने घर में ज़रूर आप ट्राई करें इसको। और चलिए अब शुरू करते हैं आलू की सब्जी बनाना। तो यहाँ मैंने कुकर रखा है और इसमें डाला है 1 चम्मच तेल, और जैसे ही तेल गर्म होगा आधा टीस्पून डालूंगी मैं इसमें राई, इसके बाद मैं इसमें डालूंगी जीरा आधा टीस्पून, इसमें जाएगी हींग,
और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता और टमाटर। 10 मिनट में सब्जी तैयार होगी और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी। तो मैंने आलू काट के रखे हैं धो के, तो इनमें मसाले डाल देंगे। हल्दी डाली मैंने, लाल मिर्ची हम इसमें डालेंगे और धनिया पाउडर जाएगा, साथ में नमक जाएगा। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड करूंगी ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाएं। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद आप देखेंगे तेल छूटने लगा है। और इसमें हम डालेंगे कटे हुए आलू। यहाँ मैंने आलू को बिल्कुल उबाला नहीं है, छील के और मैंने इनको काट लिया है। कच्चे आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देखेंगे सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। 10 मिनट या 15 मिनट आपको लगेंगे इसको बनाने में। थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड करूंगी, आधा ग्लास मैंने इसमें पानी डाला है। और इसको हम लगा देंगे ढक्कन, 2 से 3 विसल लगाएंगे। कम आंच पे थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग पकाएंगे। और 3 सीटी के बाद मैंने इसको 5 मिनट के लिए गैस पे रखा था, लो फ्लेम पे। और इसको देखिए आप, सब्जी बनके तैयार है। इसको आलू जो है हम थोड़ा चम्मच से दबा देंगे ताकि ग्रेवी जो है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ हमारे आलू की सब्जी तैयार है। लेकिन जो स्पेशल चीज़ मैं इसमें डालने वाली हूँ जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो है कसूरी मेथी। और साथ में जाएगा किचन किंग मसाला। तो किचन किंग मसाला मैंने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून। बहुत ही टेस्टी बनेगी सब्जी। आप एक बार अपने घर पे जरूर ट्राई करिएगा। आधे घंटे में आप ये दोनों चीज़ें बना के तैयार करेंगे। तो तैयार है हमारी मिस्सी रोटी और आलू का साग। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा। मेरी चैनल रेसिपी को लाइक करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती रहूँगी इस तरह की रेसिपी के साथ। थैंक यू।